नमस्कार, डीडी डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा की। धारावाहिक श्री कृष्णा के मंगलवार के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि विश्वकर्मा सुदामा के गाँव वृंदापुरी के हर घर को राजमहल जैसा बना देते हैं। ये देखकर गांव वाले सुदामा को धन्यवाद कहने के लिए उनके घर आते हैं, लेकिन उनके घर पर उनकी पत्नी और बच्चों के बदले हुए रूप को देखकर चकित रह जाते हैं। सबके घर तो राजमहल बन गए, अब मेरे सुदामा की बारी है। नहीं महाराज, राजवाटिका के बाहर का दृश्य जो आपने देखा है वो न तो कोई माया जाल है, न ही नशे में डूबी आंखों का भ्रम है। ना तो ये माया जाल है और ना ही हमारी आंखों का भ्रम। तो फिर रातों रात वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण किसने और कैसे बना दिया? तो वृंदापुरी आखिर स्वर्गलोक कैसे हो गई, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक विष्णु पुराण के मंगलवार के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि शुक्राचार्य के बेटे उन्हें सावधान करते हैं कि कृत्या के जन्म के दुष्परिणाम हो सकते हैं। इधर कृत्या प्रहलाद को तेल की खौलती कढ़ाई में फेंक देती है, लेकिन प्रहलाद को खरोच तक नहीं आती। मेरा उपाय कदापि असफल नहीं होगा, जाओ कृत्या जन्म की क्रिया का शुभारंभ कर। परंतु कृत्या का जन्म केवल प्रहलाद के लिए नहीं, औरों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। मुझे तुम्हारी बलि स्वीकार नहीं है। जिस घड़ी का भय था वो घड़ी आ गई। कृत्या, हम पर दया करो। तो अब क्या करेगी कृत्या और आगे क्या होगा प्रहलाद के साथ, जानने के लिए देखिए धारावाहिक विष्णु पुराण सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। धारावाहिक संकट मोचन हनुमान के मंगलवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि बाली अपने बेटे को सुग्रीव और हनुमान को मारने का आदेश देता है, क्योंकि ये दोनों उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इधर केकई मंथरा से कहती हैं कि अगर दशरथ ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वो पूरी अयोध्या को बर्बाद कर देंगी। कहो सूचक, क्या सूचना लाए हो? हनुमान ने वानरराज सुग्रीव को वचन दिया है कि किसी भी परिस्थिति में वो उनका साथ देंगे। शत्रु सदैव शत्रु ही होता है, इसका अंत ही अपनी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? चाचा सुग्रीव? हाँ, वो हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। जाओ और मेरे अंदर बरसों से सुलग रही क्रोधांगनी को सदा सदा के लिए शांत कर दो। सब चौपट हो गया केकई, सब चौपट हो गया। हाँ, तुम चिंता मत करो मंथरा, अगर मेरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिली तो केकई के क्रोध से ये सारी अयोध्या भस्म हो जाएगी। तो आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक संकट मोचन हनुमान रोजाना शाम 7 बजे डीडी भारती पर। धारावाहिक शक्तिमान में मंगलवार को आप देखेंगे कि चोपड़ा वन महोत्सव कैंप पर हमला करवाता है, जिसे शक्तिमान नाकाम कर देता है। इधर पर्यावरण मंत्री शक्तिमान को बताते हैं कि ये हमला उन पर इसलिए करवाया गया था क्योंकि वो रेडिएशन फैला रहे व्यक्ति को पकड़ना चाहते हैं। दरअसल ये मुझे मारने की कोशिश थी। आपको कौन मारना चाहता है? ये तो मैं नहीं जानता शक्तिमान, लेकिन ये जरूर वही लोग हैं जिनकी वजह से इस शहर में रेडिएशन फैला। तो क्या शक्तिमान शहर को बर्बाद कर रहे इस शख्स तक पहुंच पाएगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।